पसंद आ गई क्या? हाँ बहुत अच्छी बाइक है। आ गई पसंद आ गई यार। अभी बस यहाँ से निकल ही रहे थे और यहाँ पे ये अंकल हमको मिल गए हैं कोलकाता से, और इन्होंने पूरा एक वीडियो बना लिया रिकॉर्ड करने के लिए। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं यार आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी दिनों बाद अब मिलना हुआ है वापस, और अब हम वापस पूरी पैक होके यार अब निकल चुके हैं एक नई रोड ट्रिप पे। पार्शली सोलो है, उसके बाद साथ वाले आगे मिलते रहेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। और जा कहाँ रहे हैं वैसे? सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स हिमाचल। और किस लिए जा रहे हैं? कुछ ट्रैक का प्लान है, बाकी मज़ा बहुत आएगा। सबसे बढ़िया बात है कि इस बारी अपनी 1000 पे जा रहे हैं और फुल लोड कर लिया है इस बारी, टैंक बैग लगा लिया है, पीछे अपना बैकपैक ऑलरेडी जो हम बांधते हैं वो सब अपना है ही ऑलरेडी, पर इस बारी फुल लोडेड है अपने पास। गियर्स भी इस बारी पूरे कर लिए हमने सब, तो मज़ा आने वाला है यार बहुत। तो अभी तो जस्ट देहरादून में ही है, इधर घंटाघर से थोड़ा सा ही आगे आया हूँ, और टाइम अप्रॉक्स 8:30 हो चुका है। तो 390 अप्रॉक्स का, 390 अराउंड किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और होप आई गेस गूगल मैप के अकॉर्डिंग 9 आवर्स दिखा रहा है, बट रुकते हुए जाएंगे तो आई नो 12 घंटे तो बड़े आराम से लगने वाले हैं। तो अभी 8:30 बजे हैं, तो शाम को आई होप 8 बजे तक पहुंच जाएं। ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 2-3 जगह ही रुकेंगे बस, जो अपना लंच वगैरह करने के लिए रुकेंगे, खाने पीने के लिए। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह तो रुकना ही पड़ेगा रास्ते में साथ साथ, तभी तो आप लोगों को भी कुछ दिखाएंगे हम, है कि नहीं ये बात। तो यार अपना कैश निकल गया है, बाइक यार कितनी ही सही लग रही है। पीछे अपना एक बैकपैक है और ये हमारा है टैंक बैग, इसमें जस्ट मैग्नेट्स हैं, तो सिंपल रखो, उठाओ और निकल जाओ। तो ये लग गया है, बस हो गया काम, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है सिंपल। और बाइक अपनी चकाचक लग रही है, फुल लोड हो गई है इस बारी, बस पैनियर्स वगैरह नहीं है, बट खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो अननेसेसरी उतना लगेज क्यों कैरी करना है, मतलब जब नीड नहीं है। और हमारी बाइक बोल रही है कि सर्विस करा दो। बेटे सर्विस तुम्हारी कराई थी हमने, तुम भूल गई क्या? तो अभी हम यार पहुंच चुके हैं सेलाकुई, और इधर तो काफ़ी रश है, थोड़ा सिटी वाला एरिया है ना बीच का, क्योंकि इधर सेलाकुई की तरफ एक्चुअली काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारा जॉब सेक्टर ज़्यादा है इधर। तो यार अभी हम आ चुके हैं लगभग 40 किलोमीटर, 41 हो चुके हैं, और चंडीगढ़ अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ था 120 किलोमीटर रह गए हैं चंडीगढ़ यहाँ से, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ से 2 घंटे और लगने वाले हैं, क्योंकि नारायणगढ़ तक अप्रॉक्स अभी पहाड़ वाला एरिया भी आने वाला है बीच में, तो वहाँ तो स्पीड और कम हो जाएगी, पर बाकी अभी तक तो बढ़िया चल रही है, हाईवे अच्छा है। यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, अपना क्विक शिफ्टर ऑन कर रखा है, क्लच की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो अभी वहाँ पे 3 नंबर आ रहा है और ये 4, और ऐसे ही डाउन शिफ्ट हो जाएगा जब मैं डी एक्सीलेट करूँगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब एक हैंड थोड़ा फ्री हो जाता है, ज़्यादा जोर नहीं मारना पड़ता। और अब ये वाली रोड तो यार बहुत मक्खन है, मतलब पोंटा साहिब तक इतनी मक्खन सड़क बना रखी है ना इन्होंने। तो यार पोंटा साहिब भी पहुंच गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा यार देहरादून से आने में, और देवभूमि उत्तराखंड में ये कुछ कुछ ऐसा है, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ से हिमाचल का बॉर्डर लग जाएगा, और ये यहाँ पे आ गई है उत्तराखंड की चेक पोस्ट, और ये जस्ट ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ आएगी हमारी हिमाचल बॉर्डर की चेक पोस्ट, और वो सामने है पोंटा साहिब का गुरुद्वारा, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। और ये आ गया हिमाचल बॉर्डर का गेट, यहाँ पे चेक पोस्ट है, और यहाँ पे एक्चुअली टोल लगता है 4-व्हीलर का, केवल 2-व्हीलर का नहीं लगता। तो यार अभी हम कौन सी जगह पे हैं उसका तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे को जगह का नाम नहीं पता,
बट अब हम ज़रूर यहाँ पे रुकने वाले हैं सामने जो दो रेस्टोरेंट बने हुए ना रेस्टोरेंट, उसमें हम रुकेंगे और हम कुछ खाएंगे क्योंकि हमें लग रही है भूख। और पहला अब हम यहाँ पे लेंगे अपना ब्रेक। क्या हाल चाल है, क्या मिल जाएगा जी खाने को? पराठे खिला दो फिर, पराठे आलू प्याज का एक पसंद आ गई क्या? हाँ बहुत अच्छी आई क्या आ गई, पसंद आ गई हमको तो पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी, अच्छी बात, सबको पसंद आएगी, ये बात तो ठीक है। अब बंदी का तो हमें पता नहीं, बंदों का तो आई जाती खैर पसंद। तो यार अभी पहुंच चुके हैं मारकंडे और यहाँ भैया ने बताया कि जगह का नाम क्या है और यहाँ चल रहे हैं अपने गरम गरम पराठे। आज मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल धूप निकल रखी है, क्लियर है वेदर। पराठे खाएंगे और एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी है वो पियेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे। अब नेक्स्ट स्टॉपेज देंगे टूवर्ड्स चंडीगढ़ और उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ रुकेंगे। तो यार बस पंचकुला पहुंच गए हम और ये वाले जो मिट्टी वाले पहाड़ हैं देख के आइडिया लगी होगा कि जस्ट स्टार्टिंग है बस पंचकुला का, इधर से सेक्टर 20 जाता है और अब ये बस इस टर्न के बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर सिटी एरिया पंचकुला का और देन उसके बाद चंडीगढ़। ओके तो सामने बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है शिमला 94, तो राइट वाला रूट जाना है, शिमला नहीं जाना है बटम, बट रूट तो वो सेम ही जाता है आगे। तो मुझे लगता है कि सिग्नल से जो पहला राइट जाएगा ना, मतलब सिग्नल से राइट शायद यही वाला होना चाहिए। भाई साहब हाईवे पूरा यार पैक होके चल रहा है, टोटल गाड़ियां सारी हरियाणा और यूपी, हर इंसान मुझे लग रहा है 31 तारीख के लिए मतलब अपने घर में ताले लगा के आ चुका है और सब लोग अपना मुझे लग रहा है ये अपना मनाली और शिमला सब वहीं जाने वाले हैं। फुल रश है, मतलब पूरी रोड पैक होके चल रही है। ओके अब हमें यहाँ से जाना है टूवर्ड्स लेफ्ट वाया बद्दी होते हुए। भाई साहब जगह का नाम नहीं पता कौन सी है पर यहाँ खुशबू एकदम ऐसी आ रही है ना जैसे वो आता है ना सर्फ धोने, सर्फ आता है कौन सा, शायद निर्मा आता है आई गेस या रिन, निर्मा आता है, उसकी खुशबू आ रही है जैसे पूरे यहाँ के सिटी के ना, ये पूरा गांव सिटी जो भी है इसके सारे कपड़े मतलब यही जगह कहीं धुल रहे, मतलब ऐसी वो आ रही है ना खुशबू, क्या ही कर रहे यार, मतलब ऐसा। अभी पीछे मैंने देखा एक तो बाइक वाले आ रहे थे, मतलब बाइकर तो भी शायद घूमने जा रहे होंगे कहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो यार हैज़ार्ड ऑन करके क्यों चलते हो, मतलब दिन में क्या क्या सेंस है उस चीज़ की, केवल दिखावा है कि मतलब हम बाइक चला रहे हैं मतलब शो ऑफ के लिए या बहुत दिखाने के लिए, मतलब क्यों, मतलब दोनों हज़ार ऑन करके चलाना है? हज़ार का मतलब भाई उसका पर्पस ही वो कंपनी ने गाड़ी, वो कंपनी ने हज़ार इसलिए ही दे रखा है आपकी गाड़ी में कभी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाए कुछ हो वो उसके लिए है, या कहीं बहुत ही फॉग हो रखा हो विजिबिलिटी का इशू हो तो वो उसके लिए है, रादर देन कि आप दिन में हज़ार लाइट जला के चल रहे हो अपना। तो यार उससे आपको कहीं मुड़ना है कुछ है वो पता ही नहीं चलता कौन किसको कहाँ मुड़ना है, कभी भी कहीं भी मुड़ जाओगे, पता नहीं मेरे को सेंस समझ नहीं आती, पता नहीं लोग क्यों चलते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा जाम हो रखा है यार, मतलब पूरी लाइन टू लाइन चिपक के चल रही हैं गाड़ियाँ, ऐसे कैसे जाएंगे? अभी तो 200 किलोमीटर आउट जाना है हमको रे, यही चक्कर यार, ये जो सिटी वाले एरिया से जहाँ से हाईवेज निकलते हैं ना तो वहाँ पे यही दिक्कत है। स्वारघाट यहाँ से रहेगा यार 24 किलोमीटर
और उसके बाद फिर आएगा अपना नेहर चौक, फिर पूरा मंडी। तो अभी सुबह से अगर देखा जाए तो 222 किलोमीटर चला लिया और 391 जाना है, तो कितना बचा हमारे का 170 किलोमीटर से अप्रॉक्स और बचता है अभी जाने के लिए। तो स्वार घाट और बिलासपुर के लिए लेना है वो हमें यहाँ से राइट। इस रूट पे यार एक्चुअली ट्रक्स का बहुत ज़्यादा रश है, वो इसलिए क्योंकि स्वार घाट में उधर सीमेंट की वो है ना फैक्ट्री है जी, वहाँ पे फैक्ट्री। चलो चलो भाई चलने दो हमें भी। तो भाई ये स्वार घाट वाली रोड इतनी ख़त्म हो रखी है ना, मतलब ये रोड मुझे याद है लास्ट ईयर भी जब मैं गया था, तब तो खैर गाड़ी से गया था, तब भी ये रोड ऐसी थी बिल्कुल, और अभी भी ऐसी है, और उससे 2 साल पहले भी ऐसी थी, तब तो खैर बारिश के टाइम में गए थे तब तो और भी ख़राब हो रखी थी। पता नहीं यार ये रोड क्यों नहीं बनाते, मतलब इसमें इतने पत्थर हैं, इतनी टूट रखी है ये मिट्टी, धूल इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस रोड में, आफत हो गई है मतलब। और लोग हमको ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कैसे। स्वार घाट आ चुका है तो यहाँ से अब हमें यू टर्न मारना है ऊपर की तरफ। एक बार ही हम आए, पता कैसे हुआ कि थोड़ा सा रात का टाइम हो गया था, आई गेस 7-8 बजे होंगे, तो जाना हमें ऊपर था और हमने सीधा निकल गए हम। वो तो बाई चांस एक मेरे साथ में बैठे हुए थे पीछे, उन्होंने देख लिया रोड सीधा नीचे चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, तो हम चंडीगढ़ से ही आए और चंडीगढ़ ही वापस जा रहे थे, बच गए उस दिन वरना वापस चंडीगढ़ पहुंच जाते। तो वही पीछे राइट वाली साइड में एक ट्रक ख़राब हो गया ऊपर, उस वजह से अब देख लो कितना लंबा जाम लग रखा है। 1.5 किलोमीटर तक अप्रॉक्स में आ चुका हूँ, निकल के भी क्रॉस कर गया हूँ और इतना ही अभी नीचे लग रखा है ये यहाँ तक। मैं अभी स्वार घाट से आगे पहुँच गया हूँ और बस ये ढाबे पे रुक के अभी बस लंच किया है, वही अपना दाल चावल थाली वाला सिस्टम था, कढ़ी दाल चावल रोटी। और अभी जब भी आप पहुँचते यार जैकेट उतारी थी ना तो अंदर राइडिंग जैकेट की वजह से अंदर पूरी गीली हो चुकी थी, पूरा पसीना आ गया था। तो बस अब चलते हैं और अभी 130 किलोमीटर अप्रॉक्स और रह गया है, यहाँ से जोगिंदर नगर जाना है तो 4 घंटे लगभग और लगने वाले हैं, बाकी देखते हैं आगे का रश कैसा होगा और बाकी मिलते रहेंगे आगे रास्ते में। यार अभी बस यहाँ से निकल ही रहे थे और यहाँ पे ये अंकल हमको मिल गए हैं कोलकाता से, और इन्होंने पूरा एक वीडियो बना लिया रिकॉर्ड करने के लिए अपने बेटे को दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ एडवेंचर टूरिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे कोलकाता में, तो इन्होंने पूरा एक मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया है और इनको हमने चैनल सब्सक्राइब करा दिया, तो ये बोल रहे हैं कि आप जब आओगे कोलकाता ज़रूर आना, तो बिल्कुल आएँगे अंकल, अच्छा लगा आपसे मिल के। और अब आप भी हमारी वीडियो में आएँगे, आप जब वीडियो आएगी शायद कल या परसों में आ जाएगी तो आप YouTube पे ज़रूर देखना, ठीक है अंकल। तो भाई आज मतलब थोड़ा सा कुछ अलग सा ही फील हुआ है, मतलब क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये एक YouTube और एक इस बाइक की वजह से है, और एक जो मैं सोलो ट्रैवल करने का जो मैंने डिसीजन ले रखा है ना कि मतलब जो मेरी एक सोच है कि हाँ अगर जाना है तो ऐसा नहीं है कि किसी का वेट करो, सोलो भी निकल सकते हो आप, आपको खुद से एंजॉय करना आना चाहिए राइट। तो बस आज वही था, शायद वही उन अंकल को बहुत पसंद आया, तो मतलब उन्होंने पूरी पता है एक मेरा ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर एक व्लॉग बना रहे हैं पूरा, तो वो उन्होंने पूरा बनाया और उन्होंने अपने घर में वो किसी को भेज रहे थे तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया वो, तो वो बहुत अच्छा लगा यार। और साथ में और लोग भी थे, मतलब बाकी तो खैर वो एक यूट्यूब और फिर बाइक की वजह से था कि मतलब थोड़ा सा यू नो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंस वाला वो फैक्टर होता है ना, एक थोड़ा सा वो मिला, अच्छा तो लग रहा था पर इट वॉज़ गुड नाइस।
यार अभी पहुंच चुके हैं अप्रॉक्स बिलासपुर, मेरे ख्याल में लगभग आ ही गया है क्योंकि कुछ होटल्स के जो नाम है वो अब बिलासपुर के नाम से हैं। इधर लेक व्यू बिलासपुर, और इस साइड इधर लेफ्ट में ये पूरा यहाँ पे नीचे लेक है, बट इतना कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल में। अगर ड्रोन हो ना तो ड्रोन से उसके शॉट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि इधर से उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि रीच नहीं है, लेक काफ़ी पीछे है मतलब रोड से ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिलासपुर में कुछ कोई बहुत बड़ा यू नो ज़्यादा ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी पीछे यार बस स्टॉप पे भी खड़े होकर पढ़ रहे थे, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे दिखे हैं। कुछ यहाँ कॉलेज वगैरह कुछ ऐसा है क्या स्पेशल, किसी को पता हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरे को नहीं पता। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू। तो मंडी के लिए अब हमने ब्रिज से राइट ले लिया है एंड अब यहाँ से मंडी आई गेस 30 किलोमीटर्स रह गया होगा, और टोटल डिस्टेंस अभी हम 295 आ चुके हैं सुबह से लेके अभी तक। और ठीक है यार, 8 घंटे में लगभग 300 किलोमीटर सही खींच लिए, जा कम भी कह सकते हो और पता नहीं मतलब ज़्यादा भी नहीं। ठीक है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि सही टाइम से चल रहा हूँ। ओ भाई अब किस खुशी में जाम लगा रखा है। तो मंडी कुल्लू मनाली के लिए यहाँ से लेफ्ट लीजिए। ठीक है जी, लेफ्ट ले लेंगे। और ये ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लांट है, और नीचे के नज़ारे देखो यार कितना ही सुंदर लग रहा है, बेहद। भाई साहब क्या इच्छा है। और इसी के साथ एक बार और फिर एक सुंदर सा हाईवे आ गया है, मंडी वाला नेशनल हाईवे। साइड में पेड़ देख रहे हो कैसे सूख रखे हैं, बस इनको बर्फ़ पड़ने की देर है। बर्फ़ पड़ जाए तो क्या बात है, पर यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, बर्फ़ हम कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, अब 2-3 दिन बर्फ़ ही देखनी है और क्या देखना है। तो अभी यार मंडी पहुँच चुके हैं, और ये मंडी का बस मार्केट है, मेन रोड है, हाईवे सब कुछ यही है। ऑलमोस्ट सारे शोरूम्स हैं मंडी में, तो कोई दिक्कत नहीं है यार यहाँ पे ना, किसी को अगर कोई किसी भी कार में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, 2-व्हीलर 4-व्हीलर सब अवेलेबल है मंडी में। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के शोरूम अवेलेबल हैं। तो यार फाइनली अपनी लास्ट डेस्टिनेशन वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, हाईवे पे मतलब लास्ट रोड पे आ चुके हैं, और अब ये रोड जा रही है टूवर्ड्स जोगिंदर नगर, जहाँ हमें जाना है अपनी फ्रेंड के घर, और कल वहाँ से सब लोग जाएंगे फिर कांगड़ा करेरी लेक ट्रैक के लिए। और ये लेफ्ट में देखो, ये पूरा मंडी का रेजिडेंशियल एरिया है, कैसे कितना ब्राइट अप दिख रहा है ना। और यहाँ से डिस्टेंस अप्रॉक्स रह गया है 57-58। तो यार फाइनली जोगिंदर नगर पहुँच गए हैं, और बस अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर रह गया घर जहाँ मेरे को जाना है, फ्रेंड के घर। तो इस वीडियो को करते हैं यार यहीं पे क्लोज। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और करवाना चैनल को। चैनल का नाम है 2 व्हील्स। टिल देन टाटा, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अब कल सुबह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें हम दूसरी जगह अपना यहाँ से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, आज हमने क्लॉक करे हैं 407 किलोमीटर्स, और अभी 2 और रह गया तो 410 समझ लो अप्रॉक्स, तो 410 किलोमीटर आज हमने क्लॉक करे हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।